दोस्तों, दुनिया में काफ़ी सारी बीमारियां हैं, फ्लू से लेकर कैंसर तक। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बीमारियां सामने आ जाती हैं जो मेडिकल और वैज्ञानिक जगत को चौंका देती हैं और हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि ह्यूमन बॉडी वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस थिंग है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी ही 5 बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है। तो लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन। दोस्तों, जब आप कभी सुई पे अपनी उंगली को रखते हो तो दर्द होता है, जब आप कहीं से गिरते हो तो आपको दर्द होता है। लेकिन क्या हो जब आपको चोट लगे और दर्द ना हो? ये एक खतरनाक स्थिति होती है जिसमें आपका अगर कोई अंग भी कट जाएगा तो आपको दर्द नहीं होगा और आपकी जान भी चली जा सकती है। ऐसी ही बीमारी थी एक लड़की को जिसका नाम था गैबी गिग्रस। इस कंडीशन को हेरिडिटरी सेंसरी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इस बीमारी के बारे में लड़की के फादर को तब पता चला जब उस लड़की को खाना खिला रहा था। वो लड़की इस वक्त छोटी थी और खाना खिलाते वक्त वो लड़की उस अपने बाप के उंगली को काट देती है, जिससे जल्दबाजी में वो अपनी उंगली को बाहर निकालता है, जिससे उसका दांत भी बाहर आ जाता है, काफ़ी खून गिरता है और दांत भी बाहर आ गया था। लेकिन लड़की को कोई असर नहीं होता, वो उसी तरह हंस खेल रही थी। ये देख के उसका पिता थोड़ा घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो इस कंडीशन के बारे में उन्हें पता चलता है। और आप इस बीमारी का हद इस तरह से, इसके प्रभाव को इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़की जैसे जैसे बड़ी हुई, उसने अपने एक आंख को फोड़ दिया, उसके स्किन पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ गए थे, उसकी बाई आँख फूटने के कारण डॉक्टर को उसे निकालना पड़ा। डॉक्टर ने उसे हमेशा हेलमेट और ग्लास पहनने का सलाह दिया, उस पर हमेशा नज़र रखा जाता था। वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, वो कभी भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती थी क्योंकि उसे दर्द का कोई अनुभव नहीं होता था। ये कंडीशन जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आता है जिसमें उस नर्व फाइबर का डेवलपमेंट ब्रेन में रुक जाता है जो टेम्परेचर और पेन को डिटेक्ट करता है। इस बीमारी से ग्रसित कुछ ही लोग बड़े हो पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुँचा देते हैं जिस वजह से वो बच नहीं पाते हैं। अभी तक 40 लोग ही इस बीमारी से पीड़ित पूरे विश्व में मिले हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला और शायद तब तक न मिले जब तक हम ये न समझ पाए कि ब्रेन कैसे काम करता है। दोस्तों, सोचिए आप कभी सुबह उठते हैं और अचानक ऐसी भाषा और ऐसे सिर में बोलने लगते हैं जो आपको आती ना हो और आपने उससे पहले कभी सुना ना हो। जैसे आप उठते ही ब्रिटिश या जमैकन एसेंट बोलने लगे जो आपने कभी सुना ही ना हो। इस कंडीशन को बोलते हैं फॉरेन एसेंट सिंड्रोम। सन 1941 में नॉर्वे की एक औरत एक एक्सीडेंट का शिकार होती है। उसके बाद वो जर्मन एसेंट में जर्मन लैंग्वेज बोलने लग जाती है जो उससे पहले उसे बिल्कुल ही नहीं आता था। उसकी फैमिली वाले अचरज में पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उसे, तो वो भी कुछ नहीं बता पाते हैं। काफ़ी जाँच होने के बाद ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद उस एक्सीडेंट से उस औरत के ब्रेन में चोट लगा जो स्पीच कंट्रोल करता है, वो हिस्सा जो स्पीच कंट्रोल करता है वहाँ पे उसे चोट लगा। लेकिन इस बीमारी का रियल कारण या इलाज के बारे में कुछ भी पता नहीं चल जाता है। ऐसा क्यों होता है ये आज भी एक रहस्य है और ऐसे कई घटना दुनिया में देखने को मिले हैं, लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि ये कंडीशन जनरली एक्सीडेंट के बाद ही आता है। दोस्तों, नीदरलैंड में एक आदमी था जिसका नाम विमहोफ था, जिसे एक रेयर हेल्थ कंडीशन था जिसे हम अनकूल कहते हैं। इसका मतलब वो इंसान बिल्कुल ही रेजिस्टेंट था कोल्ड से, मतलब उसे ठंड लगती ही नहीं थी। साइंटिस्टों ने उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वे किसी निष्कर्ष पे नहीं आ पाए और ये नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों है, कि कैसे वो इतने लो टेम्परेचर को सहन कर सकता है और उसमें सर्वाइव कर सकता है। वैसे हॉफ ने इस कंडीशन का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। उसने 2 बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। उसने 80 मीटर के बर्फ के अंदर स्विम किया, वो भी नॉर्थ पोल में। वो 1 किलोमीटर नंगे पांव केवल हाफ पैंट में आर्कटिकल सर्कल में दौड़ लगाए। अगर कोई आम इंसान ऐसा करता तो जरूर ही वो मारा जाता, लेकिन हॉप बिल्कुल सकुशल और अच्छे से उसको कम। अभी आपने ऐसे कंडीशन के बारे में जाना जिसमें एक इंसान को बिल्कुल ठंड नहीं लगता, लेकिन अब मैं आपको ऐसे कंडीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एक इंसान जरा सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस कंडीशन को बोलते हैं
कोल्ड आर्टिक्रिया इस कंडीशन से पीड़ित आदमी को कोल्ड टेम्परेचर से एलर्जी होता है। अगर आप ऐसे किसी आदमी के शरीर पे आइस रगड़ते हैं तो वहाँ रेड रैशेस पड़ जाते हैं उसके स्किन पे। सोचिए अगर एक आइस क्यूब से रेड रैशेस पड़ जा रहा है तो इंसान का क्या होगा अगर वो माइनस टेम्परेचर में रहता है या वो चिल वाटर में उतरता है, तो वो निश्चित ही मारा जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक और रेयर डिजीज है और अगर इसका इलाज तुरंत नहीं किया जाता तो ये जानलेवा भी हो जाता है। लेकिन इसके इलाज में हम केवल सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके कारण या इसके इलाज के बारे में लोग आज भी नहीं जानते हैं, बल्कि पिछले बीमारियों की तरह ये भी एक मिस्टीरियस कंडीशन ही है। एक बार की बात है, 1996 में एक आदमी घर पे ही चिकन बनाने के लिए उसे काट रहा था और काटते वक्त उसकी उंगली में काफी तेज घाव लग जाता है, यानी चोट लग जाता है, जिससे उसकी उंगली में इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी उंगली से काफी बुरा स्मेल आने लगता है, जो बर्दाश्त की बात था। कोई अगर हॉल के दूसरे कोने में भी हो तो उसे भी वे स्मेल आराम से आ जाता है उसके पास। ना तो कोई दवा काम आ रहा था, ना तो कोई एंटीबायोटिक। डॉक्टर को भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये स्मेल आ कहां से रहा है। साइंटिस्टों को लगा कि शायद उसके शरीर में कोई ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया हो, लेकिन वो भी कुछ पता नहीं लगा पाए। धीरे धीरे 5 साल बीत गए और वो स्मेल और इन्फेक्शन अपने आप धीरे धीरे समय बीतने के साथ चला गया। लेकिन ये आज तक रहस्य है, ऐसा हुआ क्यों? तो दोस्तों, ये 5 ऐसी बीमारियां थी जिनका रहस्य आज भी अनसॉल्व्ड है और अनएक्सप्लेन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मिस्टीरियस वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।